तो हम नेक्स्ट देखेंगे एडम पोटेंट। मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स अगर ए है और उसका आप स्क्वायर करते हैं तो वो कंडीशन फुलफिल करे अगर कि ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि 1 0 0 0, अगर आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, तो ये मैट्रिक्स इसी के इक्वल आ गई। ओके, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स अगर होगी तो वो हमारी एडमपोटेंट मैट्रिक्स होगी। तो ये जरूरी नहीं कि 1 0 0 फॉर्म की हो। टू माइनस थ्री माइनस फाइव फॉर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल -1 4 5, 1 -3 -4। तो ये जो मैट्रिक्स है अगर ये ए है तो आप ए स्क्वायर करेंगे तो वो ए के इक्वल ही आएगा। सबसे बड़ी बात, अगर ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, ऐसा है तो वो कब होगा? ठीक है, एक तरीके से देखा जाए अगर ये ए के इक्वल है तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल टू ए। तो ए और बी दोनों आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए और बी अगर आपकी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स हैं तो ही ए बी इक्वल टू ए एंड बी ए इक्वल टू बी के इक्वल होगा। और प्रॉपर्टी पे देखते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर नंबर 1 थी, इसको याद रखेंगे अच्छे से। और 1.25, 1.25, 1.5x की स्पीड में लगा के आप देखिए जल्दी जल्दी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि ए अगर आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है तो आई माइनस ए, ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई माइनस ए भी हमारी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आई माइनस ए भी आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होगी। नंबर 3 हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि ए बी इजकल टू बी ए इक्वल टू ओ। ठीक है, इसको ठीक है, अगर ए बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ है तो, और ए बी हमारी एडमपोटेंट इनिशियली तो हैं ये, ठीक है, तो ए प्लस बी भी हमारा एडमपोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इनका सम, ठीक है, ये अगर ऐसे छोटा सा डिनोट करना चाहूँ, ये ऑफिशियली नहीं है, ए प्लस बी, बी प्लस ए, कुछ भी करेंगे वो हमारा एडमपोटेंट मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो हमने क्या बोला, ए बी एंड बी ए बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू ओ, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस केस में तो ये आपका एडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो आगे देखते हैं हम इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया है, अगर आइडमपोटेंट एक सेट है, ठीक है, एक तरीके का मानो सेट है, ठीक है, इसको डायग्राम से डिस्को कर रहे हैं, तो उसके अंदर का अगर कोई सबसेट होगा, ये क्या है, एक सबसेट है, वो हमारा इनवॉलेटरी मैट्रिक्स होता है। क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, वहां पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता था और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स में वही ए स्क्वायर हमारा आई एन के इक्वल होगा। अगर आप ए कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ए कुछ भी हो सकता है, 1 0 0 0, अगर आप, ये एग्जाम्पल है, ओके, या वेट अ मिनट, ठीक है,
अगर आप इसी का स्क्वायर करते हैं ठीक है, तो ये 0 प्लस 0 प्लस, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1001 जो कि हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ओके, इससे क्या हम समझ में आया कि अगर ए स्क्वायर का सॉरी ए का स्क्वायर करेंगे तो वो एक इक्वल होगा, तो वो हमारा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स नंबर वन, और अगर ए स्क्वायर करेंगे वो आई एन या आई आई मतलब ये एन ऑर्डर है ठीक है उसके इक्वल आ जाता है, तो हमारा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। बहुत ही आसान से इसको समझते हैं कि अगर ए की इंटीजर पावर एम ठीक है, एम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इंटीजर होगा, तो किसी भी पावर के लिए अगर ए का हमारा ए का स्क्वायर होगा क्यूब होगा पावर 4 होगी वो ओ के इक्वल हो जाए ठीक है, नल मैट्रिक्स बन जाए ठीक है 0 0 0 0। तो हम उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब फिर से रिकैप करते हैं, रिकैप क्या करते हैं कि आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स अपने स्क्वायर के लिए उसी के इक्वल होती थी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इनवोलेटरी मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के इक्वल होती थी ठीक है, तो ये क्या है कि उसी के सब केसेस बनते चले जा रहे हैं अगर ए के किसी भी पावर के लिए ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर वाली बात खत्म, कुछ भी है क्यूब है 4 है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, तो हम उसको निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है। नील और नल उसी के मतलब उसी से निकलता है, तो ये जो वर्ड होता है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब इसका आप ए क्यूब करेंगे इसका और इसको आप केवल 2 बार मल्टी ए स्क्वायर कर देंगे तो आपका ये इसके इक्वल आ जाएगा ठीक है। ये बात है कि अगर आप इस मैट्रिक्स को स्क्वायर करेंगे तो नल मैट्रिक्स ओ के इक्वल, और इसका आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसी से फिर इसको इसी से ठीक है, तब जाके आपका होगा ओ के इक्वल। इसको हम कहते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स रही है या क्वेश्चंस में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रहता है। तो हम फिर से रिकैप करते हैं, अगर ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता था ओके, तो वो क्या होता था, वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था ठीक है। रिकैप किया हमने, ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज या माइनस इधर कर लेते हैं एक ही बात है, तो वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था ठीक है। रिकैप कर रहे हैं अगर आप नहीं भूले हो तो, अगर हम ए इंटू ए ट्रांसपोज कर देते हैं या ए ट्रांसपोज इंटू ए कर देते हैं और उसमें भी स्पेशल कंडीशन कि वो आई के इक्वल आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो उसको हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं ठीक है। ये इसकी खासियत है, इससे हमको याद रखना है, तो हम उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/√2 -1 1 -1 1 ठीक है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, या फिर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos एंड cos थीटा ठीक है, तो ये हमारा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ठीक है। ये एग्जांपल ऑर्थोगोनल के, तो a इंटू a ट्रांसपोज इंटू a इज इक्वल टू i ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर इक्वल हैं तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर ए एंड बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए बी ठीक है ये ऑर्थोगोनल, बी ए भी हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। तो इसमें कोई खास रूल नहीं लगता है ठीक है, ये एकदम सिंपल है, इसको ए बार से डिनोट करते हैं ठीक है, ये ए के ऊपर बार। ओके, अगर ए हमारा ये है तो हम अगर उसको डिनोट कर रहे हैं ए बार, मतलब हम क्या करते हैं सारे टर्म्स का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगी। तो किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का अगर हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं ठीक है, कॉन्जुगेट कैसे, 1 -i -2i
सेवन थ्री प्लस आई। ओके, तो ये हमारा ए बार जो है ये हमारा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। अच्छा, कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है? तो सिंपल सा रूल है कि जहां भी आई वाले टर्म्स में प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, और जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं, तो ये हमारा प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस ही था एक तरीके से तो वो माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस था तो वो प्लस हो गया, तो ये कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है, सिंपल सा रूल, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी अगर बोलेंगे, अगर हम ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लें, ठीक है, समझ रहे हैं, आपकी एक मैट्रिक्स थी कुछ भी ए, उसका आपने एक बार कॉन्जुगेट लिया, आप उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लें तो वो ए के इक्वल होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अगर आप ए प्लस बी कोई भी मैट्रिक्स दो हैं उनका सम किया, फिर आपने कॉन्जुगेट लिया, तो वो उनके इंडिविजुअल कॉन्जुगेट मैट्रिक्सेस के सम के इक्वल होगा। नंबर थ्री, ठीक है, अगर आपने ए भी मल्टीप्लाई किया फिर उनका कॉन्जुगेट किया, ये प्लस किया था, ये मल्टीप्लाई किया और फिर ऊपर से कॉन्जुगेट किया, ठीक है, ये कंडीशंस लग रही हैं, तो ये भी सिंपल है, वो ए कॉन्जुगेट इनटू उनके इंडिविजुअल उनका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी होती है, सबको पता है, यहीं पर लिखते हैं कि अगर के पहले आपने k से मल्टीप्लाई किया फिर कॉन्जुगेट किया तो आप क्या करेंगे, यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि k के ऊपर भी बार आएगा, जो आपका टर्म है ना वो मल्टीप्लाई तो होगा इंडिविजुअली बाहर, लेकिन उसके ऊपर भी बार होगा तो टर्म का भी कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है, तब वो मल्टीप्लाई होगा। एक सिंपल सी बात है, अगर हम बोले कॉन्जुगेट के संग हम टर्म जोड़ दें ट्रांसपोज्ड, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, उसको हम डिनोट करते हैं ए सुपरस्क्रिप्ट में थीटा, ठीक है। ए थीटा क्या होता है कि आपने एक मैट्रिक्स ली थी इनिशियली हमने, ठीक है, हमने देखा था ये हमारा बेसिक था, यहाँ से शुरू किया एक मैट्रिक्स ली कुछ भी ए, हमने ए का कॉन्जुगेट किया, अगर हम, ठीक है, ये हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है सिर्फ इतनी, अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें, सिंपल है, उसका नाम ही है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर दें तो वो हमारा ए थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है वो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये जो कंडीशन है ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की आपको याद रखनी है। कुछ जल्दी से इसकी प्रॉपर्टी भी, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं जल्दी से, कि ए थीटा और आपने फिर से अगर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लिया तो वो ए के इक्वल होगा। नंबर वन, नंबर टू की बात करते हैं, सिंपल वही प्रॉपर्टीज हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट तो उनके इंडिविजुअल के ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के सम के इक्वल, ठीक है। फिर आपने वही किया कि k को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये k है तो वो आपका क्या होगा, k इंटू ए का ये, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या कि k का कॉन्जुगेट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ इसीलिए। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर ए बी का हम ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होगा, ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि वहां पे हमने लिया था, ठीक है, हमने क्या लिया था उसको भी मैं दिखा देता हूं। आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया और बाद में उनका बार या फिर कॉन्जुगेट लिया, तो फिर आप वो ये कह सकते थे कि ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है, बट यहां पे उल्टा हो जाता है, यहां पे अगर यही चीज आप कर रहे हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ओके, बी ट्रांसपोज कर, ये जो ऑर्डर चेंज हुआ है यहाँ पे नहीं होता था यहाँ पे, तो ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में ऑर्डर चेंज हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीज। अब हम बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ठीक है, ये फिर वही चीज आ गई जो हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में पढ़ी थी, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशल केसेस रहेंगे। नंबर वन, नंबर टू हम कह सकते हैं उसी तरीके की, ये नंबर फोर, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फोर क्या होगा, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो नंबर थ्री की हम बात करते हैं अपने हिसाब से, तो एक मैट्रिक्स है
है, ये। अब इसकी पहचान करते हैं, ठीक है, इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट कंडीशन, तो हम उस पर बात करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल जो होता है वो प्योरली रियल होता है, ठीक है, उसका डायगोनल प्योरली रियल होगा जो हमको दिख रहा है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो हो गई ये। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट, ठीक है। तो 2 + 3i अगर है तो उसको हमने 2 - 3i कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ करता था, a12 और a21, ठीक है, यहाँ से हमने देखा। तो a12 जो होगा तो वो a21 का ट्रांसपोज होगा। तो अगर यहाँ पे हमने क्या देखा था, आई वाले टर्म के पहले प्लस है तो इसमें माइनस, इसमें प्लस है तो आई वाले टर्म जो 3i है उसके पहले, सॉरी इसमें माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ देखनी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती हैं जिनका जो डायगनल होता है वो प्योरली रियल होता है, ठीक है, मेन डायगनल, प्रिंसिपल डायगनल, उसमें कोई आई का टर्म नहीं होगा क्योंकि उसको हमको कॉन्जुगेट नहीं करना। उसके अलावा जितने भी होंगे, ए आई जे जो होता है, ए आई जे ये हमने ऑर्डर कर दिया ए जे आई, तो ये उसके कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो ये तो बात हुई हर्मिशियन मैट्रिक्स की, ओके। अब अगर हम बात करें इस क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो वहां पे बस इतना चेंज है कि ए आई जे इजकल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट। अब आप कहेंगे चेंज क्या है, तो चेंज ये है, ठीक है, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चेंज है कि ये जो 2 - 3i था तो ये तो हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स ली, अगर यहाँ पे हम माइनस भी लगा देंगे, ठीक है, इसका जब इधर हमने भेजा इसको, ठीक है, माइनस, जैसे ए आई जे जो है ये a12 इक्वल टू माइनस ऑफ a21, ठीक है, a21 का कॉन्जुगेट ले लिया पर फिर भी बाहर माइनस लग रहा है। ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, जैसा कि हमने लगाया है, ये माइनस लगा दिया है, ये हमारा एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बन गई। और एवरी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली रिटेन एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड एसक्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे कि हर एक ए मैट्रिक्स को हम किसका सम लिख सकते थे, सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक का सम लिख सकते थे, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 + a - a ट्रांसपोज अपॉन 2। ऐसे ही हम हर कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है, यहाँ पे बात यह है कि वो मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती थी, एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट उसका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था। तो ये आई आ गया तो एटलीस्ट वन, उससे ज़्यादा 2 एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो गए, तो एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। उस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा यूनिक कॉन्सेप्ट है जो कि एक जगह करके दिखाया है। अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो वो क्या होता था, वो ए और ए ट्रांसपोज पर वर्क करता था, हाँ। फिर से वापस आते हैं, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स मैं कहता हूँ कि लगभग एक तरीके की होती हैं। फिर सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, ये जो भी आप टर्म्स यहाँ पे लिखे देख रहे हैं इस पे वाइड स्क्रीन पे, तो ये सब जुड़े हुए कैसे हैं, इनको देखते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल और मैं कहता हूँ और यूनिट्री लगभग इक्विवेलेंट होती हैं। ऑर्थोगोनल वर्क करता है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। इस सिमेट्रिक क्या होता था, ए इजकल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है, ओके, ऑर्थोगोनल होता था ए इजकल टू ए ट्रांसपोज। अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज हम करते हैं या ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं, वो अगर आई के इक्वल आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ठीक है, तो वो ऑर्थोगोनल होता था। ये हमने पहले पढ़ा था 2-3 मिनट पहले। अगर हम वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स वाला, जहाँ पे हम हर्मिशियन में क्या लेते थे, ए इज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट, ठीक है,
तो ये कैसे इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, ये मैंने दिखाया, और ये कैसे एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ऑर्थोगोनल यूनिटी, ये दिखाया। तो ए इंटू ए कॉन्जुगेट अगर करते हैं, वो ए कॉन्जुगेट इंटू ए के इक्वल है, और वो दोनों आई के इक्वल है, यहां भी आई था वहां भी आई है, तो वो आपका यूनिटी मैट्रिक्स होगा। तो ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं, ठीक है, ये कोई नहीं बताता, तो ये चीज हमको समझ में आई। तो यूनिटी मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल, आइडमपोटेंट निलपोटेंट और इनवोल्यूटरी, सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। अब देखते हैं बड़े प्यार से पीरियोडिक मैट्रिक्स। अगर ए के प्लस वन, ठीक है, हमने क्या देखा, ए के प्लस वन इजकल टू ए है, ठीक है, तो वो एक तरह का पीरियोडिक मैट्रिक्स, जो पीरियोडिसिटी होती है ना सिग्नल सिस्टम में या और भी जगह, तो वही चीज है कि अगर हम ए की कुछ भी पावर करें और वो ए के इक्वल ही आ जाए, ठीक है, मिनिमम वन, ए तो ए के अगर जीरो है तो ए के इक्वल है ही, ठीक है, ए की पावर वन इजकल टू सिंपल, तो जीरो की बात नहीं करेंगे, मिनिमम के वन होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो अगर ए की पावर थ्री इजकल टू ए है तो ये समझेंगे कि आप हमारा टू है, तो ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। उसी का एक स्पेशल केस होता है, ये क्या है, एक सेट, बड़ा सा सेट, उसका एक सबसेट, वो होता है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडमपोटेंट क्या होता था, फिर से याद करते हैं कि ए स्क्वायर इजक्वल टू ए, तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि अगर के इक्वल टू वन है तो हमारा ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा और वो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है। तो आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, असल में सबसेट होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स का। पीरियोडिक मैट्रिक्स मतलब हर आइडमपोटेंट मैट्रिक्स पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी, लेकिन हर पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडमपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और ये लेक्चर नंबर टू था, ठीक है, लेक्चर टू खत्म होता है। अब हम बेसिक एलजेब्रा और मैट्रिसेस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।